देखे तो, पूर्ण चंद्रमा देखे तो, और द्वितीया का चंद्रमा देखे तो, तारे टमटमाते हुए देखे तो, आकाश में बादल घटाएं चढ़ रही हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, हर क्षण उनको याद कर सकते हैं, कोई सुंदर फूल खिला हुआ देखें तो, कोई तितली उड़ती हुई देखें तो, कोई कोयल गान कर रही हो, गान सुने किसी को, कोई वृक्ष फल फूल रहा हो, नदी उमड़ के बह रही हो, झरना झर रहा हो, महान विशाल हिमालय और पहाड़ के दर्शन करें तो क्या प्रभु की याद नहीं कर सकते आप? क्योंकि उनकी कृति है, उनकी रचना है, उनके हस्ताक्षर हैं, एक एक पत्ते के ऊपर। एक पत्ता भी कोई मनुष्य या वैज्ञानिक नहीं बना सका है, न बना सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उनका स्मरण करें, सिमरन करें, माला लेकर जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पाप कट जाएंगे, जल जाएंगे। हरि नाम में वो शक्ति है जो आपके पापों को धो डालता है, जला डालता है, आपको निर्मल बनाता है। आपके अंदर सारे गुण प्रकट होते हैं भगवान का नाम जप करने से, उनका स्मरण करने से, उनका कीर्तन करने से, उनकी लीलाओं का श्रवण पान करने से, संतों के मुख से, साधुओं के मुख से, उनके भक्तों के मुख से, या स्वयं भागवत गीता, रामायण, भागवतम आप स्वयं पढ़ें, नित्य सुबह स्नान करके थोड़ा समय दें, आधा घंटा, एक घंटा, 10 मिनट, जितना दे सकते हैं, तो आपका कल्याण होता है। तो आप भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की ओर जाते हैं। समझिए कि आप अपनी जन्म मरण जरा व्याधि से छुटकारा पाने के प्रयत्न करने करते हैं, और वो प्रयत्न एक दिन सफल होते हैं, क्योंकि भगवान की ओर जो एक कदम चलता है, भगवान उसकी ओर 10 कदम चल के आते हैं। ये भगवान की साइंस है। आप एक कदम चलते हैं भगवान से प्रेम करने, तो 10 कदम आते हैं आपसे प्रेम करने। आप उनको एक बार प्रणाम करते हैं, आपको 10 बार प्रणाम मिल जाती है दिन में। ये भगवान की साइंस है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में रह करके प्रयत्न करना चाहिए। मामा श्रुति यतंती है, यतंती मीन प्रयत्न करना। जरा मरण मोक्षाय मामा श्रुति यतंती है ते ब्रह्म तद्विदुः। ऐसे व्यक्ति को ही ब्रह्म स्वरूपा, आत्म स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूपा की पदवी मिलती है। वो पवित्रता, उसको अपना ओरिजिनल नेचर यानी उसकी मूलभूत प्रकृति प्राप्त होती है। आपकी मूलभूत प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है? आपका मूल स्वभाव, ओरिजिनल नेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, आप आत्मा है और आपका जो स्वभाव है यह आपकी नेचर है। ये आज भी स्वभाव है, लेकिन ये मूल स्वभाव नहीं है। आज हमारा स्वभाव संसार में फंसा हुआ है, विषय भोगों में फंसा हुआ है, इच्छाओं को पूर्ण करने लगे हुए हैं। होती तो नहीं है, लेकिन प्रयास करते रहते हैं। भगवान को भुला चुके हैं और संसार में भाग रहे हैं, संसार के भोगों को समेट रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये आज भी हम भावना रखते हैं, लेकिन ये भावना कंटामिनेटेड यानी बिगड़ी हुई है, गंदी भावना है, पवित्र भावना नहीं है। पवित्र भावना, ओरिजिनल नेचर, उसके अंदर तो जो आपकी शुद्धतम भावना है, उस पोजीशन में तो आप अति पवित्र हैं, भगवान के सदैव प्रिय हैं, भक्त हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही आपको बुला लेते हैं उस समय।
लेकिन उस पवित्र भावना को प्राप्त करने के लिए हमको ये जो जब सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं, ऐसे ही संसार की धूल छा गई है, हमारी पवित्र भावना को तरह तरह के रंगों ने कलरफुल बना दिया है, काले पीले नीले धौले सफेद इत्यादि रंगों ने जो हमको भर दिया है हमारी पवित्र शुद्धतम भावना को। विकार पैदा हो गए इस भावना में, उन विकारों को दूर करने के लिए भगवान उपाय बतला रहे कि मेरी शरण में आइए, मेरी शरण ग्रहण कीजिए। भागवत के अंतिम श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, ये सभी प्रकार के तरह तरह के जो सो कॉल्ड रिलीजन्स, तरह तरह के धर्मों की तू बात करता है, ये सारे धर्म त्याग दे, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आने वाले के पास ही सब धर्मों की सच्चाई मिलती है। जो भगवान की शरण में ही नहीं है, उसके दूसरे धर्म भी झूठे हैं। कोई कहता है मेरा धर्म तो ये है पति की सेवा करना, कोई कहता है मेरा धर्म है पिता की सेवा करना, कोई कहता है मेरा धर्म है देश की सेवा करना, कोई कहता है मेरा कैथोलिक धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, कोई हिंदू धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई कहता है मैं बुद्ध धर्म का हूं। जो उस परमेश्वर की शरण में नहीं जाए तो ये धर्म थोते रह जाते हैं, केवल नाम मात्र के रह जाते हैं, केवल एक संगठन और लड़ाई के केंद्र बन जाते हैं। नहीं, ये संगठन बना के हमको भगवान की ओर जाना चाहिए, सबको मिलके भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान की आज्ञा का इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए, उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान उपदेश देते हैं कि ये जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति मेरी शरण नहीं लेते वो कैसे इस जन्म मरण से छूट जाएंगे, कैसे इस जंजाल से सुलझ जाएंगे, इस सांसारिक दलदल में फंसे हुए लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं दलदल से जो मेरी शरण नहीं ले। यहां पर उपदेश भगवान यही कर रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित यतंती ते ब्रह्म तद्विदुहु। तो ऐसे आत्मा स्वरूपा, ऐसे पवित्र हुई आत्माएं पूरी तरह से जानते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है। वो जानते हैं कि भगवान की सेवा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो ही कर्म असली कर्म कहलाते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम, संपूर्णता से जानते हैं। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। वो अपनी शुद्ध हुई भावना से जान जाते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है। तीन प्रकार के कर्मों की विशेष करके भगवान ने शिक्षा दी है, अकर्म सकर्म और विकर्म। विकर्म तो घृणित कर्मों को कहा है, ये विकर्म तो आदमी को नरक की ओर ले जाते हैं। जितने भी बुरे कर्म हैं प्रकृति के खिलाफ किए जाने वाले, शास्त्रों के खिलाफ किए जाने वाले, संत वाणी के खिलाफ किए जाने वाले जो कर्म हैं वो विकर्म कहलाते हैं। और ये कर्म करने वाला, ये विकर्म करने वाला, ये कुकर्म करने वाला व्यक्ति तो नरक का मार्ग ढूंढता है या कुत्ते बिल्लियों में जाने की कोशिश करता है, गधे घोड़ों में, भैंसों में, सुअरों में, वो 84 लाख योनि में फिर भटकने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, विकर्म करके, कुकर्म करके, घृणित कर्म करके। इन कर्मों से तो सदैव सभी को बचना चाहिए, इतना तो ज्ञान मनुष्य योनि में होना चाहिए। फिर सकर्म है, कर्म करते हैं और फल की इच्छा करते हैं,
याचना करते हैं कि हम कर्म करेंगे हमको फल चाहिए वरना नहीं करेंगे। जितने भी कर्म हैं करेंगे लेकिन हमको फल चाहिए उसका, फल नहीं मिले तो हम क्यों करें। फिर उस फल को ये सकर्म क्यों कहलाए कि ये जो फल आता है इसको फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, भगवान की सेवा में तो लगाते नहीं, शुभ कार्यों में भी नहीं लगाते, भगवान की सेवा में ही नहीं लगाते। तो ये सकर्म जो है संसार में बार बार जन्म लेने को प्रेरित करते हैं क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं और इंद्रिय तृप्ति कभी तृप्त नहीं होती, और जब तृप्त नहीं होती तो इन्हें तृप्त करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं अपनी भावना के अनुसार। भावना यदि लोअर है, निकृष्ट है, तो निकृष्ट योनि में जाते हैं। भावना यदि उच्च श्रेणी की है संसार को भोगने की तो अधिक से अधिक देवलोकों तक जाते हैं, वहां भी भोग कर नहीं जाते, देवलोकों में भी भोग है, यहां से बहुत अधिक मात्रा में बहुदायत में वहां पर भोग है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। तो अब भोग करते हैं देवताओं के भोग, अप्सराओं के, सुरा सुंदरियों के, चमकीले विमानों के, पावर के, देव शक्ति के, ये भोग करते करते जब हमारे पूर्ण क्षीण हो जाते हैं तब फिर हमको वापस नीचे गिरना पड़ता है मनुष्य योनि में, या कभी सुअर की योनि में भी, पेड़ पौधों की योनि में भी देवताओं का पतन हो जाता है, देवलोकों से पतन हो जाता है आत्मा का। ये अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके देवलोक प्राप्त होते हैं, लेकिन वो भी सकाम कर्म है। महाराज 101 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, किस लिए? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, पूरी पृथ्वी का भोग करने के लिए, या फिर स्वर्गलोक का भोग करने के लिए। तब तो स्वर्गपति इंद्र अश्व का घोड़ा चुराता है कि मेरे पद को छीनने के लिए 101 अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो ये सकाम कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, लेकिन उसका फल चाहिए। 10 रुपए दान में खर्च करना चाहते हैं लेकिन उसका 1000 रुपया चाहिए, ये सकाम कर्म है। सकाम करने वाला, कर्म करने वाला बार बार जन्म लेता है इस धराधाम पर या मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर भौतिक संसार में, ऊपर या नीचे कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म है तो थोड़ा ऊपर चला जाता है ऊंचे लोकों में, बुरे कर्म है तो नीचे लोकों में चला जाता है, कभी कभी ऊंची योनियों में, कभी कभी नीची योनियों में चला जाता है, कभी गंधर्व किन्नर और देवताओं की योनि मिल जाती है पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से, और कभी कभी कुकर्म करने से, बुरे कर्म करने से नीची योनि भी मिल जाती है। सकाम कर्म में सभी तरह के कर्म आ जाते हैं, मनुष्य योनि में बार बार आता है, या इससे स्लीप हो जाए कभी तो बंदर कुत्ते बिल्लियों में चला जाता है, गधे घोड़ों में चला जाता है। अकर्म भगवान ने कहे श्रेष्ठ, अकर्म को निष्काम कर्म कह के भी जाना गया है, जिन कर्मों को भगवान के लिए किया जाता है, जिन कर्मों को करके फल नहीं चाहिए, फल की याचना नहीं करता। कर्म योगी फल की याचना नहीं करता, वो कर्म करता है और उसके फल की इच्छा नहीं करता। फल आता भी है तो उसको सत्कर्मों में लगा देता है, भगवान की सेवा सत्कर्म है। सत्कर्म मीन्स जो सत्य के लिए किया जाए, और सत्य भगवान है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। तो सत्कर्म क्या है? निष्काम कर्म,
जो परमात्मा की सेवा में लगाए जाते हो और वो कर्मों का फल नहीं मांगता हो कर्म करने वाला। जैसे कभी गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, कठिन सेवा करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले, बिल्डिंग चुनने वाले बिल्डिंग चुनते हैं गुरुद्वारे के, पैसा नहीं मांगते, फल नहीं मांगते, बोलते ये तो गुरुजी की सेवा है, सदगुरु की सेवा है। लंगर प्रसाद बनाते हैं, मेहनत करते हैं माताएं सब मिल करके, लेकिन उसका फल नहीं चाहिए। नहीं, ये लंगर प्रसाद गुरु का बन रहा है, भूखे टूटे जति सती आएंगे खाएंगे, ये सेवा हम गुरु की कर रहे हैं, हमको फल नहीं चाहिए इसका। गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं अपने, गुरु हृदय में बैठे हैं उनको प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे ही मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जो निष्काम भाव से सेवा करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों की और साधु संतों की और किसी की भी, लंगड़े लूले की, गरीब की, परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है, वो गोविंद का सर्वत्र वास है, सब जगह वो है। जहां आपका भाव उदय हो कि मेरे गोविंद ये विराज रहे, वहां सेवा कर दीजिए और फल मत मांगिए। गोविंद की सेवा करके कोई फल मांगता है? कोई गोविंद को एक फल अर्पण करके क्या आप चाहते हो कि गोविंद मुझे 10 फल दे? नहीं, आपके पास फल है वो गोविंद का दिया हुआ ही है, उसको गोविंद को अर्पण कर देना यह आपकी मानता है, इससे गोविंद प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि गणेश जी के आगे एक नारियल तोड़ दिया और हाथ जोड़ के इधर उधर देख के बड़बड़ाने लग गए कि गणपति बाप्पा सारा आनंद है, एक कार की जरूरत और है, ये भी इच्छा पूर्ण कर दो। तो ये तो बिजनेस है, ये तो सकाम कर्म है, ये गणपति की सेवा नहीं है, ये परमात्मा की सेवा नहीं है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति, भगवान की शरण में रह करके जो प्रयत्न करता है, जो कुछ करता है उनके लिए करता है। यद करोसि यद अश्नासि यत यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, जो जो भी कुछ करता है तू, यद करोसि जो कुछ करता है, यद अश्नासि जो कुछ खाता है, यज्जुहोसि जो कुछ यज्ञ हवन आहुतियां देता है, दान पूर्ण करता है, ददासियत जो कुछ देता है, दान देता है, श्रम दान करता है, ज्ञान दान करता है, या धन दान करता है, या यज्ञ आहुतियां देता है, यज्ञ में सबको वस्त्र पहनाता है, प्रजा को खुश रखना चाहता है, जो कुछ करता है, गरीबों को बांटता है, अस्पताल बनवाता है, किसी के दुख तकलीफ में काम आता है, श्रम दान करता है, ददाति जो कुछ देता है, यत करोसि यद अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय, और जो तू कुछ तपस्या करता है, कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो सब मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर, मुझे प्राप्त करने के लिए कर, मेरी शरण ग्रहण करने के लिए कर, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे रिझाने के लिए, ये सारे तेरी क्रिया कर्म कर। यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम्। हे कुंती नंदन, वो मुझे अर्पण कर। कितना शुद्धतम ज्ञान भगवान दे रहे हैं। अर्जुन हम लोगों के कल्याण के लिए शंकालु बना हुआ है, शंका करता है कि ऐसा करने से क्या होगा भगवान,